हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस एच फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। मेरा नाम है मोली सिंह और डिफॉल्टर हो गई है वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस एच फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। मेरा नाम है मोली सिंह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैं एस एच फाइबर ग्लास पे तो नहीं हूँ, मैं तो अपने घर पे हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो 14 इंची कटर जो हमारा कभी कट लग जाने से ख़राब हो जाता है, हम ऐसे ही उसको वेस्ट में फेंक देते हैं, तो उसको दोबारा से फिर भी यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कट लगा हुआ है कटर में, वो मेरी गलती से कट लग गया था। पाइप गलत तरीके से मैंने कटिंग कर रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कट लगा हुआ और इसको मैं ठीक करूँगा। ये जो हाथ वाली हमारी कैंची होती है जिससे हम लोहे की शीट काटते हैं या तो फिर फाइबर शीट काटते हैं उसी से, और इसको हमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं है कटर को। अगर खोल लिया जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी सेट हो जाएगा, लेकिन मेरी खोलने की इच्छा नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही जगह जगह से कट लगाऊँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे इसमें कटर से कट लगा दिए बीच बीच में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से कट लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कट लगा था और मैंने इसको पूरे ये वाले हमारे कटर से जगह जगह पे कट लगा दिए। आप खोल के भी कर सकते हैं, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको देसी तरीके से इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन को चालू करना और कोई भी लोहे के टुकड़े से इसको हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको टच करना है, और प्रोटेक्शन ज़रूरी है। प्रोटेक्शन अपना आपको खुद का ध्यान रखना है। ये करते वक्त जो इसके जो छर्रे टाइप है ना वो उड़ते हैं, तो उनका ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से, कहीं वो उड़ के आपके आपके अगल बगल में कोई बैठा हो उसके यहाँ चोट वोट ना लग जाए। और ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी भी कट दिखाई दे रहा है। तो इसको ऐसे ऐसे करके ही हमें सेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कटर लगभग सही हो गया है। अभी बीच में थोड़ा सा और कट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। अभी हम इसी कटर से पाइप कटिंग करके देखते हैं कटिंग होती भी है या नहीं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, पाइप काट के चेक करते हैं। पाइप काटने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे साफ सुथरा नया कटर लगा हुआ हो। तो हमारा कटर बिल्कुल तैयार हो गया। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।